तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज में हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पहले अगर बात करें तो यूनिट 9 में हमने सबसे पहले कंप्यूटर के टॉपिक को पढ़ लिया है। कंप्यूटर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। जो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, आईसीटी के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, तो आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमने कंप्यूटर के बेसिक्स को समझ लिया कंप्यूटर वाले पार्ट में। फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें देख ली कि जो जो हमारे डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हुए, डेस्कटॉप्स हुए, लैपटॉप्स हुए या सुपर कंप्यूटर्स हुए, तो उनमें किस तरीके की चीजें यूज होती है। ठीक है, कौन से हार्डवेयर्स यूज होते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहे हैं। हार्डवेयर वाली चीजें हम लोगों ने कल कवर की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोई भी मशीन है तो कुछ ना कुछ हार्डवेयर के साथ ही तो बनेगी। चिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आईसी के बारे में बात की थी, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर कर ली है। आज ज्यादातर फोकस हमारा किस पे रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पे रहेगा, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक समझे, फिर हार्डवेयर के बारे में समझ लिया, अब थोड़े से सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारी आईटी डिपार्टमेंट या आईसीटी में। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहला फैक्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इमेजिन इंडिया, द इंडिया ऑफ रिन्यूड नेशन किसकी पुस्तक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि ये जो किताब है वो किसने के द्वारा लिखी गई है, बताइए सभी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज अगर आईटी की बात कर रहे हैं हम लोगों को, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज है जिन लोगों ने क्या करके रखा है, आईटी डिपार्टमेंट में उनका नाम लगा के रखा है, या बहुत से ऐसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल हुआ, तो इन लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है आईटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बुक के बारे में देख लेते हैं कि ये जो बुक है कौन सी बुक है, जो इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिन्यूड नेशन। ठीक है, ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अगर आप देखो तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, नंदन, किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, नंदन निके बोल सकते वो नीलेकणी के द्वारा ये चीज लिखी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि जो आपकी बुक है वो बुक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे रतन टाटा हुए, ठीक है, टिम कुक हुए, या बोल सकते हैं कि हमारे जैक मा हुआ थे, इनसे रिलेटेड जो बुक्स है ना वो जरूर एक बार पढ़ लेना, या जो करंट में जिन पर्सनालिटीज के आप नाम पढ़ रहे हो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें या बुक्स वगैरह है वो जरूर एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक जो बुक कवर कर रहे हो कौन सी है, इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिन्यूड नेशन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, फिर यहीं पर अगर हम आगे की बात करें, पूरा का पूरा ही देख के रखा है, तो देखो रतन टाटा की बात करी थी हम लोगों ने, तो रतन टाटा ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन सी पुस्तक के वो लिखता है, तो ये चीज एक बार पढ़ लेना। तो उनकी किताब का नाम क्या है, पहली चीज द विजडम, द विट एंड द विजडम ऑफ रतन टाटा। ठीक है, एक किताब उनकी ये है। दूसरी कौन सी, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक एंड एक्शन एजेंडा फॉर रिफॉर्म। ये सारी की सारी इंग्लिश में ही नाम है भैया, हिंदी में ट्रांसलेट मत करना इनको। ठीक है, तो रतन टाटा की दो बुक के बारे में देखा, द विट एंड द विजडम ऑफ रतन टाटा, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक एंड नेशन एजेंडा फॉर रिफॉर्म। रतन टाटा की एक और बुक कौन सी है, फ्रॉम स्टील टू सेलुलर। ठीक है, ये सारी की सारी जो किताब है इन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हमारे फिर नंदन निकित नीलेकणी की बात करें तो उन्होंने लिखी है रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग अ बिलियन इंस्पिरेशन, इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ अ रिन्यूड नेशन, जिसको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे नारायण मूर्ति की बात करें तो नारायण मूर्ति ने एक द क्लियर ब्लू स्काई स्टोरीज एंड द पोएम्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड द होप, और बेहतर भारत
और बेहतर दुनिया से ये बोल सकते हैं, ये तीन किताब किसके द्वारा लिखी गई है, नारायण मूर्ति के। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो बोल सकते पर्सनालिटीज है जिनने बहुत सारी बुक्स लिखी है या बोल सकते हैं कि आईटी के फील्ड में उन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है, एक रतन टाटा है, फिर नंदकिन निकेन की बात कर ली हम लोगों ने और नारायण मूर्ति की बात कर। नेक्स्ट देखो, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ एप्पल, तो ये तो बता ही दोगे सभी। ठीक है, तो सब लोगों को पता है। और एप्पल को फाउंड किसने किया था, फाउंडर कौन थे या को फाउंडर बोले जा सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। एप्पल के को फाउंडर कौन थे, एप्पल किसने फाउंड किया था, एप्पल के को फाउंडर के बारे में नहीं सुना। बहुत फेमस पर्सनालिटी है भैया, उन्होंने भी अच्छी खासी बुक्स वगैरह लिखी और आईटी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट के तो पता है ना कौन है, बिल गेट्स है, तो वो तो अभी इंडिया विजिट करा था उन्होंने। अब एप्पल की बात करें तो एप्पल के को फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। कौन थे, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स के नाम पर भी आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स है और बहुत उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को करंट की बात हो रही है, तो करंट सीईओ कौन है, तो कौन है हमारे टिम कुक है। कौन है, अब टिम कुक का नाम पूरा अगर आप देख लो तो पूरा भी यूज याद रख लेना, टिमोथी डोनाल्ड कुक, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। और फिर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट में करंट सीईओ कौन है, किस ओरिजन के है, वो इंडिया ओरिजिन के है कि भारत से बिलोंग करते हैं, भारत ओरिजिन के हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि सत्यनारायण हमारे नंडेला जो है वो अभी करंट सीईओ है कहाँ के, माइक्रोसॉफ्ट के। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों को देखते रहना, जो करंट कंपनीज न्यूज में है उनसे रिलेटेड सीईओ के बारे में देख लेना एक बार। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सारे एमसीक्यूज मैं कवर नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक तरीके से आइडिया दे देता हूं। जैसे अगर मैंने पहला क्वेश्चन दिया तो पहले क्वेश्चन में बुक्स के बारे में है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो पर्सनालिटीज के बारे में आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है, आप न्यूज देखते हो ना करंट, तो जो पर्सनालिटीज न्यूज में आ रही उनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरा हम लोगों ने सीईओ देखा, तो जो जो कंपनीज आपको करंट में देखने को मिल रही है, माइक्रोसॉफ्ट अगर न्यूज में आई क्योंकि बिल गेट्स अभी आए हैं, तो उस माइक्रोसॉफ्ट मतलब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से कैसे रिलेटेड है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि सीईओ है वो, ठीक है। तो उन्होंने वो बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने, जब आप करंट पढ़ते हो तो करंट के साथ साथ आपको इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप फ्रेम हो जाने चाहिए, ठीक है। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि सारे एमसीक्यूज को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सारी चीज नहीं पढ़ा सकता, पर क्वेश्चंस का जरूर आपको आइडिया जरूर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ो न्यूज में तो उसके सीईओ का नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। नेक्स्ट इसके बाद देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। इन कथनों पर विचार करना है और नीचे में से सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सुनने के आप बताइए कौन कौन सी चीज सही है। क्या बोल के रखा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क इज अ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और जावा इज अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सच माइक्रो सिस्टम, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। बताओ सभी, तो देखो .NET के बारे में आप लोगों ने सुना है, जैसे C++ बोल सकते हैं एक तरीके की जावा बोल सकते, जावा ये सारी की सारी एक लैंग्वेज है ना, वैसे ही हमारी जो .NET है वो एक लैंग्वेज है या दूसरे तरीके से फ्रेमवर्क है, तो बोलने को वो लोग यूज एक साथ ही करते हैं कि बोल सकते हैं C++ जावा .NET, ये होने को C++ लैंग्वेज है, पर .NET जो है वो लैंग्वेज नहीं है, एक तरीके का क्या है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके की लैंग्वेज है पर उसको लैंग्वेज में काउंट नहीं किया जाता, फ्रेमवर्क है जिसको किस लिए काम किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डेस्क मतलब वेब बनाने के लिए, डेस्कटॉप्स में बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, .NET का यूज करते हैं। .NET जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो जिस एक तरीके की वो फ्रेमवर्क भी है, जिससे वो क्या काम करा जाता है, जो वेब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मोबाइल के एप्लीकेशंस रहते हैं या सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग डॉट नेट का यूज़ करते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि डॉट नेट एक लैंग्वेज है या फ्रेमवर्क है, तो वो एक तरीके की फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज कौन कौन सी है, सी प्लस प्लस जावा, इनको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और किसने बनाया था डॉट नेट को, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा सही, ठीक है। तो यहाँ से डॉट नेट से हमको चीजें क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा किसके लिए काम होता है, वेब डेवलपमेंट में काम आता है, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए काम आता है और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। और तीसरी चीज की ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो डॉट नेट को, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरीके का क्या है, फ्रेमवर्क है। इतनी चीजें याद रखनी डॉट नेट से। फिर नेक्स्ट क्या बोल रखे हैं, जावा इज अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। तो जावा एक तरीके की क्या है, लैंग्वेज है या फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी एक तरीके की कैसी बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। क्लियर हो गया, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे। तो यहां से रिलेटेडली इतना याद रखना कि मतलब कोई भी चीज आप देखो तो उसका एक तरीके से आप लोग ब्रीफ देख लेना बस, कि डॉट नेट है तो डॉट नेट एक तरीके की फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज नहीं है। बनाया किसने था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। फिर जावा की बात करें तो जावा भी एक तरीके का ओपन सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट हमको याद रखने। नेक्स्ट देखो, फील्ड इन अ डेटाबेस आर, कोई भी जो हम बोल सकते डीबीएमएस के बारे में आप लोगों ने देखा है, क्या होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना, जो भी डाटा स्टोर्ड हो रहा है। जैसे हम लोग वेब सर्वर के बारे में बात करते हैं, तो वेब सर्वर्स में क्या होता है, डाटा स्टोर्ड रहता है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर का, जैसे आप फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, तो ये सर्वर्स में हर रोज हर मिनट क्या हो रहा है, डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको सेव डाटा को मैनेज करने के लिए हमको किस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल बेसिक चीज याद रखना कि डीबीएमएस क्या होता था, एक तरीके का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि किसको मतलब सेफ सिस्टम को मतलब काम करने के लिए होता है, तो डेटा को स्टोर करके उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डीबीएमएस करता है। तो वैसे ही उन्होंने पूछा है कि जो डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस में जो फील्ड्स रहती हैं, उस फील्ड्स का काम क्या रहता है, तो ये टेक्निकल शब्द है, तो बस इतना याद रखना कि जो आपकी फील्ड्स रहती है उनका काम होता है टेबल्स को इन्फॉर्म करना, ठीक है। एक तरीके के टेबल्स को क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना, वो किसका काम रहता है, फील्ड का काम रहता है, ठीक है। क्लियर हो ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, 10 लाख बाइट लगभग होती हैं, अब बिलियन बाइट्स इज एप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रहती है, तो मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 1 ट्रिलियन बाइट्स जो रहती है वो किसके इक्वल रहती है, ये सभी बताओ, पहले ही बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, ये पहले लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ, जब मैं बाइट्स को बिट्स को आपको एमबी केबी और जीबी टीबी सब बता रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है। आपने बोल सकते 2 raised to the power 20 के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि वो आपकी बोल सकते एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चलता है, ये चीज कराई थी ना मैंने, उसी टाइम पे आपको बताया भी था कि ट्रिलियन ब्रिलियन के बारे में भी बताया था। तो बताओ यहाँ पे 1 बिलियन की बात हो रही है, तो 1 बिलियन किसके इक्वल रहती है, 1 ट्रिलियन 1 बिलियन जो है वो किसके इक्वल रहती है, 10 लाख बाइट किसके इक्वल रहती है, हमारी 1 मेगाबाइट के इक्वल रहती है, किसके इक्वल रहती है। अगर मैं 1 गीगाबाइट की बात करूं या 1 जीबी की बात करूं, तो 1 जीबी में कितने होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, 1 बिलियन होते हैं, कितने होते हैं, 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। और फिर अगर 1 टीबी की बात करूं, 1 टीबी में कितने होते हैं, हमारे 1 ट्रिलियन होते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अगर आप किसकी फॉर्म में देखो, तो हम लोगों ने 10 raised to the power फॉर्म में भी देखा था, 10 raised to the power जो 10 रहती है वो किसके इक्वल रहती है, 1 KB के इक्वल रहती है। फिर इसके बाद MB की बात करोगे, 220 raised to the power 20,
फिर एमबी के बाद जीबी 2 raised to the power 30 और फिर जीबी के बाद टीबी, तो 2 raised to the power 40। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज हमको याद रखने की, 2 raised to the power जो 10 रहता है वो किसके इक्वल रहता है, 1 KB के इक्वल रहता है, मतलब KB में आता है हमारा। फिर अगर 1 MB की बात करो तो 1 MB 2 raised to the power 20 के इक्वल, GB 2 raised to the power 30 के इक्वल और TB हमारे 2 raised to the power 40 के इक्वल। फिर वहीं पे हम किसकी बात करें, अगर बिलियन की बात कर रहे हैं कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन में, तो जो 1 million बाइट्स रहती है वो 1 MB के इक्वल रहती है, 1 MB के इक्वल रहती है। जो 1 GB रहता है वो कितने बाइट्स के इक्वल रहता है, 1 billion के, और 1 TB कितने के इक्वल रहता है, 1 trillion के। ठीक है, तो मिलियन ट्रिलियन ब्रिलियन ये चीज याद रखना, इस तरीके क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जा सकते। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी याद रखना और मिलियन ट्रिलियन की फॉर्म में भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, इफ समवन डोमेन नेम एंड्स विद द EDU US सो इट इज कॉल्ड। तो यदि किसी डोमेन नेम में आखिर में अगर EDU US है तो उसमें क्या होगा, US की बात हो रही है यहाँ पे, तो पढ़ के बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, EDU के बारे में पढ़ा था। तो EDU जो डोमेन नेम है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है या शिक्षा विभाग होता है उसके लिए हम लोग कौन सा डोमेन नेम यूज करते हैं, EDU इस्तेमाल करते हैं। अब EDU के पास में क्या लगा हुआ है, US भी लिखा है, तो US मतलब अस लिखा है या कुछ और इस्तेमाल, मतलब कि US का मतलब कुछ और है, US मतलब कि नॉर्मल कंट्रीज का नाम इसके बाद ऐड होता है। अगर इंडिया की बात करोगे तो EDU.ind लिखा होगा, ठीक है, फिर वहीं पे अगर UK की बात करोगे तो EDU.UK लिखा होगा, फिर वहीं पे हम US की बात करें तो US की दर आता है, तो अमेरिका में आपको कंट्रीब्यूट होगा। तो ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, कहाँ का इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का इंस्टीट्यूट है या USA का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो डोमेन नेम से हमको पहचानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखो, हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, पढ़ के बताओ। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें जो हम लोग रोज करते हैं, तो वीडियो कॉल्स जो रहते हैं वो कैसी रहती है, एक तरीके की टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी है हमारी, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज फॉल्स अबाउट ऑप्टिकल फाइबर, अब यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के बोल सकते हैं कि बारे में गलत है, तो पढ़ो ध्यान से और बताओ सभी। ठीक है, तो पहला क्या बोल के रखा है हमारा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर क्या बनता है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर बनता है। सही है या गलत है, सही है भैया, सिलिका की बात सुनी है ना हम लोगों ने, सिलिका के बारे में सुना है ना, तो सिलिका जो एक तरीके का बोल सकते हैं हमारा जो मेटल रहता है उससे, सिलिका जो एक तरीके का जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है, ऑप्टिकल फाइबर बनती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। तो पहली चीज की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर बनता है। अब नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी अवधारण 1854 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने दिया था। ठीक है, तो ये तरीके का ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है हमारा, सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन पुणे से शिवाजी नगर से वो से कंटोनमेंट के बीच बिछाई गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब एक गलत स्टेटमेंट कौन सा है कि ऑप्टिकल फाइबर के कुल कितने पदार्थ होते हैं या कितने पार्ट होते हैं, 4 अपरार्थे होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बोल सकते हैं क्राइस कोर कैडिंग जैकेट और फायर कहते हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर की पार्ट्स की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। नेक्स्ट देखो, ठीक है,
तो अगर सबसे पहले आप बात करो तो अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात करते तो ऑप्टिकल फाइबर हमको तीन पार्ट्स में देखने को मिलता है। सबसे अंदर वाली जो निप रहती है ना उसको क्या बोला जाता है, क्लैडिंग बोला जाता है, ठीक है। सबसे बाहर वाली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और अंदर जो बिल्कुल ही पतली पिन रहती है ना उस पिन को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, जो पतली सी पिन आपको दिखती नहीं है सबसे अंदर जो प्रेजेंट रहती है बिल्कुल पतली सी उसको कोर बोला जाता है। उसके ऊपर एक तरीके का जो स्ट्रक्चर बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो हमारा ये बाकी का जो सब्सटेंस है ये किस, ये पूरा का पूरा किसका बनाता है, हमारा कोटिंग को बनाता है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की हम लोग देखते हैं तार जो बाहर से बिल्कुल ही ब्लैक लगा रहता है तो वो क्या होता है, एक तरीके का कोटिंग होती है, उसमें जैकेट वगैरह सब काउंट आउट होता है, ठीक है। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करो तो ऑप्टिकल फाइबर के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे अंदर की छोटी से पिन की बात करो जो कि हमारा मेन काम करता है, जो हमारा मेन सब्सटेंस रहता है जिससे हमारे जो नेटवर्क है वो ट्रांसमिट होता है या नेटवर्क स्पीड मिलती है, तो वो हमारा कोर है। उसके बाहर वाली जो चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, क्लैडिंग। और सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर का पोर्शन लगा रहता है उसको बोला जाता है, ठीक है। ये तीन चीज याद रखना, तो इसमें वो चार जो था वो गलत था। अब यार ये चीज भी याद रखना कि एक तरीके का कैसा रहता है, जो कोर रहता है जो बना होता है उसमें जो लाइट रहती है वो कैसी फॉर्म में आती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की फॉर्म में काम करती है, ठीक है। जब यहाँ से लाइट ट्रांसमिट होगी तो लाइट जब ट्रांसमिट होगी तो एक तरीके का कैसा आपका स्ट्रक्चर बनता है, टोटल रिफ्रैक्शन मतलब इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण हमारी जो बोल सकते नेटवर्क की स्पीड हमको मिलती है, ठीक है। तो ये आगे आएगा, ये चीज याद रखना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है हमारा कोर, ठीक है, दूसरा क्लैडिंग और तीसरा हमारा कोटिंग। तो ये तीन पार्ट्स रहते हैं उसके, ठीक है। कोटिंग में ही हमारा बोल सकते हो कि जैकेट काउंट होता है, ठीक है। फायर कोई नहीं है, फायर किसी को नहीं बोला जाता, क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का बना होता है जो कि बालू की रेत से प्राप्त होता है, मतलब हमको ट्रू स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे, सत्य कथन बताना है, ठीक है। फिर से पूछ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो ऑप्टिकल फाइबर पहली चीज कि ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का बना होता है जो कि बालू की रेत से प्राप्त होता है, सॉरी। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन रिच वैज्ञानिक इब्राहिम हिल ने किया, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर आधारित सूचना आचार सेवा प्रदान करने वाली भारतीय एयरटेल भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट ये सही लग रहा है आपको, ठीक है। हम लोगों को बताना है यहाँ पे डिजाइन किसने किया था, तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, तुक्का मार रहे हो या पता है आप लोगों को, तो तीसरा और चौथा का फिर सही बताना। तो ऑप्टिकल फाइबर अगर आप बोल रहे हैं कि इब्राहिम हिल ने डिजाइन नहीं करी तो किसने करी थी, ये नाम बताओ उसका, नरेंद्र, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह कल्पानी जो है उन्होंने इसको डिजाइन करा था। अब चौथा जो है हमारा, चौथा कौन है, जो भारतीय एयरटेल इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं है जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को संभालती है, अगर भारतीय एयरटेल नहीं है तो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम बताओ फिर, वही तो बोल रहा हूँ। जब आपको स्टेटमेंट सही पता है तो तुक्का मार रहे हो या सही बता रहे हो, अगर आपको पता है तो सही चीज भी पता होनी चाहिए, यही चीज तो यहाँ पे समझ में जाती है। तो देखो पहली चीज की ऑप्टिकल फाइबर जो है मैंने बताया था अभी सिलिका का बनता है, ठीक है, जो कि बालू की रेत से प्राप्त होता है हम लोगों को। तो सिलिका में ही हमारे बोल सकते सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो बात करोगे तो वो किसका बनता है, ये चीज याद रखना, सिलिका का बनता है, ठीक है। सिलिका एक तरीके का जो ग्लास है उस तरीके का हम लोग यूज करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसी सिलिका के ग्लास में हम लोगों को किस तरीके का सिद्धांत देखने को मिलता है, आंतरिक परावर्तन सिद्धांत देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में क्या होता है, हमारा
मतलब ये नेटवर्क की स्पीड मिलती है, मतलब कि ट्रांसमिशन होता है हमारे नेटवर्क का, ठीक है। किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, मैंने बताया था अभी। एक तरीके की ये मान के चलो ये हमारा कोर है, ठीक है, जो कि एक तरीके कांच की जैसी हमको देखने को मिलती है, जो सिलिका से बनती है, ठीक है। तो ये जो आपका अंदर का बिल्कुल पतला सा जो वायर रहता है वो किसका बना रहता है? सिलिका का बना रहता है, एक तरीके का ग्लास रहता है। और जब यहां से लाइट, मतलब बोल सकते हैं कि स्पीड वो आपकी ट्रांसमिट होती है, तो इस तरीके से फॉर्म बनाती है, जिसको हम लोग किस तरीके का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइट जो है वो ऊपर पड़ेगी, ऊपर वाली नीचे पड़ेगी, ऐसा पूरा का पूरा हमारा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा जो जियो फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर जो आप यूज करते हो घर पे, वो इसकी तरीके से काम करता है। एक वायर, वो लाइन आती है ना हमारे घर में, तो वो लाइन किसकी होती है? ऑप्टिकल फाइबर की ही होती है। और वो लाइन हमारे बोल सकते हो कि राउटर से जब कनेक्ट होती है, तो जब स्पीड रहती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपकी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जो पतला सा वायर है तो उसको काट के देख लेना कभी आपको अच्छा लगे तो। पहले तो ब्लैक कलर का कोटिंग होगी, वो तो उसको क्या बोला जाता है? कोटिंग बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो मिलेगा उसको आपको क्लैडिंग बोलोगे, और क्लैडिंग के सबसे अंदर आपको एक तार टाइप का मिलेगा, उसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो कभी मिल जाए मौका तो तार को काट के देख लेना, तो आपको इस पूरा का पूरा आपको वो वहीं पे हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो पहली चीज सिलिका का बना रहता है, जो कि एक तरीके का ग्लास रहता है, और दूसरा कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अब तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन हमारे डच साइंटिस्ट ने नहीं किया था, डच की जगह एक यूके के साइंटिस्ट थे, ठीक है, थे वो इंडियन ओरिजिन के। नाम क्या था उनका? नरेंद्र मोदी, मत लिखाना भैया, नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। ये हमारे बोल सकते इंडिया ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने कहां पे जाके रिसर्च करी थी इसकी? यूके में जाके रिसर्च करी थी, तो इसलिए उनको कौन से साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं? यूके साइंटिस्ट नरेंद्र सिंह कपानी। फिर यहीं पे हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय एयरटेल बोल सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर आधुनिक सूचना या संचार सेवा प्रदान करने वाली भारतीय एयरटेल भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। क्या भारतीय एयरटेल है? नहीं है। कौन सी कंपनी है हमारी? HFCL। कौन सी कंपनी है? HFCL सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि हमारे बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विस को क्या करती है? पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करती है। ये चीज क्लियर हो गई? भारतीय एयरटेल हमारे बोल सकते हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करती है, पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करोगे तो उसको प्रोवाइड करने का इंडिया में कौन सी कंपनी करती है? HFCL एक तरह की कंपनी है, वो करती है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया? पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा? जब भी तो आपसे पूछा था, क्योंकि तुक्के तो आप लोगों ने मार दिए थे सबने। अगर आप उन्हें को अगर आप मार भी रहे हो तो फिर आपको पता भी होना चाहिए कि भैया कि उसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है फिर इस तरीके की। तो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हमने सारी चीजों को कवर करा। सबसे पहली चीज के वो बना किसका रहता है? तो सिलिका का बना रहता है। सिलिका एक तरीके का क्या है? ग्लास है। और उसके अंदर हमारा जो है लाइट, वो जो स्पीड है या नेटवर्क है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है? एक सिद्धांत के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि अंदर जो आपका ग्लास टाइप का बना रहता है, उसमें एक लाइट ट्रांसफर होती है, तो उसके कारण पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होता है। उसमें हम लोग नहीं जा रहे, बस इतना याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। फिर वहीं पे हम लोग तीसरी चीज देखी कि इसको डिजाइन किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी ने, जो कि कहाँ के साइंटिस्ट थे? यूके बेस्ड साइंटिस्ट थे। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारतीय एयरटेल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है। भारतीय एयरटेल की जगह उस कंपनी का नाम क्या है? HFC है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, इन विच फील्ड इज ऑप्टिकल फाइबर नॉट यूज्ड? तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किस फील्ड में नहीं किया जाता? ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है क्या? नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको यूज करना है, तो वायरलेस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि खेत के बीच में से आप तार कैसे लेके आओगे? ऑप्टिकल फाइबर का इतना याद रखना कि वो ऑप्टिकल फाइबर कैसी रहती है, तो वो वायरलेस नहीं होता, वायर के थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है। पहली बात, अगर आपको घर पे यूज करना है तो वो जरूर वायरलेस चलेगा, पर घर तक अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो वो तो वायर्ड के थ्रू ही होगा ना, क्योंकि जो खम्भे रहते हैं आपके जियो फाइबर के, तो घर पे राउटर लगेगा, उसी राउटर के कारण आप लोग क्या कर पाओगे? अपने इंटरनेट को यूज कर पाओगे वाईफाई को कनेक्ट करके। तो उसको बिछाने के लिए हमको वायर की जरूरत पड़ती है। फिर घर में 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मली उसको यूज कर सकते हैं वायरलेस, ठीक है, क्योंकि राउटर की मदद से।
नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोड्यूस ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर को प्रोड्यूस करने वाली सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर को प्रोड्यूस किस स्टेट ने किया था सबसे पहले? तो एक आंसर आ गया है. अगर हम लोग एमपी में रह रहे हैं तो एमपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा ये. तो कहाँ, किसने किया था? हमारी मध्य प्रदेश में हुआ था. अब जगह का नाम भी बता दो, मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ठीक है, कौन सी पुर? मंडी द्वीप में हुआ था. ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है, मंडी द्वीप जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है. और बोल सकते हो कि ये दो कंट्रीज का कोलैब था, एक इंडिया की कंपनी थी और एक दूसरी कौन सी कंपनी थी? जापान की मतलब कंट्री से कंट्रीब्यूशन लिया था हम लोगों ने, कि जापान ने हमारी मदद की थी. ठीक है, तो कोलैब किया गया था, एक हमारी इंडिया की कंपनी जो कि मतलब एमपी में बनाया था, और साथ में हमारी मदद किस कंट्री ने की थी? जापान ने. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको. दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि द टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज. क्यों नहीं मिलते? कुछ डिस्टेंस हमको देखने पड़ते हैं. आपने देखा है ना, बहुत सी बार जो एंटीनाज हमारे घर पे टाटा स्काई या डीटीएच जब लगाते तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहती है उनकी, है ना, उसी डायरेक्शन में सारे के सारे जो एंटीना लगाए जाते हैं. क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि एक सर्टेन बियॉन्ड डिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है? क्या पृथ्वी की सतह वीराकार है इसलिए, या पृथ्वी की सतह गोलाकार है, या पृथ्वी का सतह भुज वजू जाकर है, या द सर्फेस ऑफ द इंडिया इज ट्राइंगुलर, और प्रयोग में से कोई नहीं है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? कि हमारा जो अर्थ की सरफेस है ना वो क्या है? कर्व्ड है. कैसी है? कर्व्ड फॉर्म में है. तो जो भी सिग्नल्स रहते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं. तो इसलिए हम लोग जो रहते हैं वो टेलीविजन के जो सिग्नल रहते हैं कुछ दूरी के बाद कैसे हो जाते हैं? खत्म से हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो कैसी है? वेराकार है. ठीक है, द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड. नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, इसकी जगह नेशनल भी है. ठीक है, हिंदी में भी वही है. तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया. तो इंडिया में कब इसको स्टार्ट किया गया था? किस ईयर में स्टार्ट हुआ था आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? जानते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में? ऐसा हो ही नहीं सकता ना सुना हो आपने. बैंकिंग सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं. निफ्ट के बारे में सुना है ना, एनईएफटी के बारे में, एक तरीके का मनी ट्रांसफर करने के लिए हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं निफ्ट. आप जाओगे बैंक में तो निफ्ट रहती है ना, तो उसी के बारे में बता रहे कि बैंकिंग सेक्टर में निफ्ट का इस्तेमाल इंडिया में सबसे पहले किस ईयर में हुआ था? ठीक है, तो किस ईयर में हुआ था? 2005 में हुआ था. ठीक है, नवंबर 2005 में हुआ था. क्लियर हो गया? तो निफ्ट के बारे में हम लोगों ने देखा. तो निफ्ट जो है एक तरीका क्या है, मनी ट्रांसफर करने का तरीका है ना, तो उसी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं. फिर निफ्ट के बाद आप लोग बात करो तो हम लोगों ने आरजीटीएस भी देखी है. ठीक है, आरजीटीएस के बाद एमबीपीएस आपका बोल सकते हैं, आईबीपीएस भी होता है. तो ये तीन तरीके की चीजें जो कि हम लोग मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं बैंकिंग सेक्टर में. बैंक में पढ़ा है ना ये चीजें. तो अगर एनईएफटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अब आरजीटीएस का फुल फॉर्म बताओ सभी. आरजीटीएस का और आईएमपीएस का, दोनों का ट्रांसफर. ठीक है, आरजीटीएस हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं. और ये गलत लिख दिया, आरटीजीएस है.
आरटीजीएस और आईबीपीएस का फुल फॉर्म बताओ। तो देखो आरटीजीएस का फुल फॉर्म लिख लो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये स्टार्ट किस ईयर में हुआ था? तो 2004 में हो गया था, ठीक है। निफ्ट के एनईएफटी से पहले कौन सा आपका सिस्टम चलता था? आरटीजीएस चलता था। फिर इसके बाद आज के टाइम पे हम लोग ज्यादातर बड़े पेमेंट्स के लिए हम लोग किस अमाउंट मतलब किस फैक्टर वो आपकी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? तो आईएमपीएस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। आईएमपीएस जो है उसको कौन मतलब मैनेज करता है? तो एनपीसीआई मैनेज करती है, ठीक है। और ऊपर की जो बाकी की जो आपकी बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी है, इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब डायरेक्ट कौन वो मैनेज करता है? तो आरबीआई मैनेज करती है। ये चीज क्लियर हो गए? तो यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखना कि आरटीजीएस और हमारी एनईएफटी जो है उसको कौन मैनेज करता है? आरबीआई करती है। और वहीं पे आईएमपीएस की बात करें तो उसको कौन बोल सकता है कि मैनेज करता है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे यूपीआई भी हम लोग लिंक्ड है ना, तो ये पूरा मैनेज करने का काम इसका है। तो अब यहाँ पे आईएमपीएस का फुल फॉर्म बचा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि ये करंट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आरटीजीएस और एनईएफटी का भी याद रखना, ठीक है। एनईएफटी जो है वो 2005 में हुआ था, फिर इसके बाद आरटीजीएस जो वो 2004 में हुआ था। अब आईएमपीएस रह गया हमारा। आईएमपीएस कौन बताएगा किस ईयर में फाउंड आउट हुआ था, किस ईयर में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? बताओ सभी। आइडिया है किसी को? तो ये स्टार्ट हो गया था हमारा 2010 में, ठीक है। आईएमपीएस जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हो गया था? तो 2010 में। तो ये चीज याद रखना। एनईएफटी और आरटीजीएस जो है वो एसबीआई बोल सकता है, आरबीआई मैनेज करता है। और आईएमपीएस जो है उसको कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई, जिससे हम लोग यूपीआई वगैरह हम लोग करते हैं वो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एलटीई से या बोल सकते हैं 4G से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4G मतलब कि फोर्थ जनरेशन नेटवर्क जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए सभी। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है? एलटीई चौथी पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड वो क्या कहते हैं वो नेटवर्क है। एलटीई मोबाइल नेटवर्क एक्सपर्ट्स प्रदान करने वाली बोल सकते हैं वाई मैक्स, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड मेट्रो वो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव एक्सेस के नाम से जानते हैं, या वाई मैक्स की तरह एलटीई की वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है, परंतु वाई मैक्स के सिंगल वो सिग्नलों का माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव आपकी वेव्स रहती है और एलटीई में आपकी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहली चीज एलटी का फुल फॉर्म बताओ सभी। एलटी हम लोगों ने यूज करते हैं आज के टाइम पे, क्या यूज कर रहे हैं? एलटी यूज कर रहे हैं कि कुछ और यूज कर रहे हैं? आपके फोन में जब फोन लगाते हैं तो क्या आता है? एलटी के अब पहले आता था एलटी, आज कुछ और भी आने लगा है। वी वोल्टी नहीं, VOLT, ठीक है। VOLTE, VO मतलब एलटी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। एलटी का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और उसके साथ में आप वीओ और क्यों जुड़ गया? तो वीओ का मतलब क्या होता है? वॉइस, ठीक है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब कि आप वॉइस भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो आप लोग देखते हो पहले आपको कॉल लगाना पड़ता था तो आपके नेटवर्क मतलब कि जो आपके बैलेंस कटता था, पर आज के टाइम पे आप जब कॉल लगा दे तो नेट अब आपके नेट में से आपका वो डाटा कंप्लीट होता है। तो अब क्या होने लगा? डाटा से ही आपकी वॉइस ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। उसी टेक्नोलॉजी को हम VOLTE बोलते हैं, ठीक है। तो LTE का जो इस्तेमाल है वो फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने यूज करा था। 4G के साथ में कौन सा आया था? LTE आया था, ठीक है। और उसी के बाद में हम लोगों ने देखा कि इसी का बोल सकते हैं कि ये किस तरीके के जनरेशन को हमको देखने को मिलता है, तो चौथी पीढ़ी का वायरलेस आपका कनेक्शन है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा सही हो गया। तो अगर LTE मोबाइल एक्सप्रेस की बात करो तो ये बोल सकते हैं कि हमारा वो वाईमैक्स जिसको बोला जाता है, ये दोनों क्या है? एक तरीके के हमारे कॉम्पिटिटर्स है। कि अब ये चीज याद रखना कि जब 4G आया था तो 4G के साथ दो चीजें हमको देखने को मिली थी, एक है LTE और दूसरा कौन सा था? वाईमैक्स।
ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो किस जनरेशन के नेटवर्क है, 4G मतलब कि फोर्थ जनरेशन के नेटवर्क है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। अब तीसरा क्या बोल के रखा, जो वाई मैक्स है उसमें किस तरीके की हमको वेव्स देखने को मिलती है, तो माइक्रोवेव की जो वेव्स रहती है उसमें इस्तेमाल होता है, और LTE में जो है वो कैसी तरंगों का इस्तेमाल होता है, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, तो अगर फोर्थ जनरेशन नेटवर्क्स की बात होती है तो उसमें याद रखना कि दो तरीके के कंपटीशन थे, एक थे 4G जो कि हम नेटवर्क में यूज करते हैं, और दूसरा कौन सा था, वाई मैक्स, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड मेट्रोपोलिटी ऑफ बोल सकते हैं, माइक्रोवेव एक्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वाई मैक्स और जो आपका LTE था, ये दोनों कौन से जनरेशन के नेटवर्क है, फोर्थ जनरेशन के नेटवर्क है। फिर वहीं पे अगर आप वाई मैक्स की बात करें तो वो माइक्रोवेव तरंगों को इस्तेमाल करता है, और हमारा जो LTE है वो किस तरीके के तरंगों का इस्तेमाल करता है, रेडियो तरंगों का। ठीक है, रेडियो वेव्स का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट वेव ऑफ विच फ्रीक्वेंसी, जो ऑप्टिकल फाइबर्स रहती है वो किस फ्रीक्वेंसी की रेंजेस को ट्रांसमिट करता है, का प्रयोग किन अवधि की कारणों के संचार हेतु किया जाता है, कितने हर्ट्ज तक की ट्रांसमिशन वेव होती है ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, तो इसकी बोल सकते हैं जो रेंज रहती है वो 1 टेरा हर्ट्ज से 1000 टेरा हर्ट्ज हो सकती है। ठीक है, ये 100 लिखा है, इसको 1000 कर लेना। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर रहती है उसकी ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 1 T मतलब क्या है, टेरा हर्ट्स। ठीक है, 1 टेरा हर्ट्स से 1000 टेरा हर्ट्स के बीच में रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, इन अ ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन इन विच पाथ द सिग्नल्स ट्रेवल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ठीक है, वो तरंग संचारण के सिग्नल ट्रांसमीटर से बोल सकते ट्रांसमीटर से रिसीवर तक किस पाथ में गति में करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, एक सीधी रेखा के फॉर्म में, या कर्व्ड रेख में, या स्पायरल फॉर्म में, या इनमें से कोई भी नहीं। जो आपकी सिग्नल्स रहते हैं वो जब ट्रांसमिशन से ट्रांसमीटर से रिसीवर में आते हैं तो किस तरीके की आपकी वेव्स देखने को मिलती है, किस डायरेक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कर्व फॉर्म में देखने को, अर्थ का जो सिग्नल्स रहते हैं वो अर्थ कैसी है, कर्व्ड है, तो हमको सिग्नल्स भी किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, कर्व्ड पाथ की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीफोन सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले टेलीफोन सर्विस किस ईयर में स्टार्ट हुई थी। किस ईयर में स्टार्ट हुई थी टेलीफोन सर्विसेज, क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी या ब्रिटिशर्स के बाद में हुई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हुई थी, तो आंसर बताओ। ठीक है, तो किस ईयर में हुई थी, 1882 बोलते हैं उसको, कि 1881 लिखा है, पर एक्चुअल में कौन सी डेट थी, ईयर था वो 1882 था। ठीक है, एक्चुअल ईयर कौन सा था, 1882 था, क्योंकि आप बोल सकते हैं बुकों में 1881 भी लिखा है क्योंकि वो लास्ट लास्ट का टाइम था। ठीक है, पर प्रॉपर डिस्कवरी जो हुई थी वो 1882 में हुई थी, और तीन बोल सकते सिटीज को उन्होंने कनेक्ट किया था, किस कौन कौन सी कंट्री वो सिटीज को, कोलकाता, बॉम्बे, और तीसरा कौन सा होगा, मद्रास। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज को बोल सकते हो कि ये तीनों की तीनों सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमारे उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल के बोल सकते ऑफिस का एक इंसान था, उस इंसान ने इन तीनों सिटीज को क्या करा था, कनेक्ट करा था। ठीक है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करनी रहती थी ना, किस तरीके से काम कर रहा चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो टेलीफोन सर्विसेज सबसे पहले ये तीन सिटीज में स्टार्ट हुई थी। ये तीन सिटीज में उन लोगों ने बोल सकते वायर बिछाए थे और इन तीनों को कनेक्ट किया था, और किस ईयर में उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था टेलीफोन को, 1882 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
क्लियर हो गया। तो ये तीन सिटीज को उन्होंने कनेक्ट किया था। अब नेक्स्ट है हमारा जो ट्राई है, या जिसको TRAI के नाम से जानते हैं, वो कब स्थापित हुआ था और उसका फुल फॉर्म भी बताओ सभी। ठीक है, ट्राई जो है या TRAI जो है वो कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है, जो आपके मोबाइल टेलीफोन टेलीकॉम नेटवर्क्स है उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? इस अथॉरिटी का। तो कौन सी है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी हम लोग टेलीकॉम सर्विसेज यूज करते हैं, आपके जितनी भी सिम्स वगैरह है, जियो है, एयरटेल है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बना के रखी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम क्या रहता है, बोल सकते हैं जो आपके बैलेंसेज वगैरह, जो बैलेंस डलते हैं, उस तरीके की चीज़ों को मैनेज करना कि यूनिवर्सल बैलेंस का मतलब कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है, और एक तरीके से बोल सकते हो रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कौन करती है? अथॉरिटी डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि बोल सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा था, 4G स्पेक्ट्रम है, 5G स्पेक्ट्रम के बोल सकते हैं कि बोली वगैरह ऑक्शन वगैरह होते हैं ना, उस ऑक्शन को भी कौन ऑर्गेनाइज कराता है? TRAI कराता है। ठीक है, ट्राई कराता है। तो ये कब हुआ था हमारे? 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, और अभी अगर हम लोग देखें तो ट्राई के या TRAI के करंट में चेयरमैन कौन है? चेंज हो गया भैया, अभी जनवरी की न्यूज है। कौन बताएगा ट्राई के आपके करंट चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहोनी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, करंट में हमारे जो चेयरमैन कौन है? ठीक है, अनिल कुमार लाहोनी। इस तरीके की चीज है, अपडेट रहा करो भैया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? कौन सी चीज की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को वीडियो कॉल करने के लिए? ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको? टेलीफोन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। कैमरे की जरूरत, आपके वीडियो कैमरे की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, और साथ में एक माइक की जरूरत पड़ेगी, जो सब मोबाइल में रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे द फुल फॉर्म ऑफ कैड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज, तो मैंने एक बार बताया था आपको कैड के बारे में, ऑटो कैड बता रहा था एक दिन। ठीक है, तो उसमें जो ऑटो कैड है, उस कैड का मतलब क्या है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ऑटो कैड एक तरीके का बोल सकते हैं कोर्स होता है, जो कि सिविल इंजीनियर के उसमें फॉर्म में सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे टैली है ना, तो अकाउंटेंसी के लिए हम लोग टैली यूज करते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स नक्शा बनाने के लिए ऑटो कैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कैड की बात हो रही है, तो कैड का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या है हमारा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब कि जो 2D और 3D जो मैप्स रहते हैं वो हम लोग इस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने, 2D और 3D डिजाइन बन जाती है इसमें। नेक्स्ट देखो, DTH का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTH? ठीक है, तो डायरेक्ट टू होम। हम लोगों के इधर DTH सर्विसेज यूज करते हैं ना, हम लोग घर पे जो टाटा स्काई है या बहुत सारे SR डिजिटल है,
या बहुत सारे डिश टीवी पहले आया करता था, एयरटेल टीवी जो है वो सारे के सारी कैसी सर्विसेज है, डीटीएस सर्विसेज है, डोर डायरेक्ट टू होम तक की, जो हमारे बोल सकते हो कि एक तरीके से वो केबल टीवी से कनेक्टेड रहता है, पहली चीज याद याद रखना। दूसरी, हमारा एंटीनास पे ऊपर काम करता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे छत के ऊपर एंटीनास लगाए जाते हैं, इसके बाद ही हमारे घर में सिग्नल्स आते हैं। कभी कभी देखा होगा अगर पानी गिर जाता है तो पानी के टाइम पे वो सिग्नल्स नहीं आते और आपकी जो डीटीएच है वो वर्क नहीं करती है पानी के टाइम पे जब बारिश हो रही होती है। और तीसरी चीज ये भी याद रखना कि मल्टी चैनल फंक्शन रहता है, कि एक ही डीटीएच में या एक ही आपको उस वो पैक में बहुत सारे चैनल्स जो है वो आपको यूज करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड एंड, तो ये सिंपल सी चीज है, जो भी डेस्कटॉप में आपको जो चीजें रहती है उसको इरेज करते हो तो वो सारी की सारी चीज कहाँ पे स्टोर्ड होती है, ठीक है, तो रिसाइकल बिन में होती है, ठीक है, ये सिंपल सी कॉल। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन जो सर्वर है उसको किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। किसके लिए, एक तरीके से बोल सकते हो कि विंडोज, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है ये, ठीक है। तो विंडोज है बोल सकते हो कि, तो विंडोज लिनक्स में भी ये इस्तेमाल हो जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम लोग किसका यूज इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय, कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन रहता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है पिक्सेल्स की फॉर्म में, तो जो आपके रेजोल्यूशंस रहते हैं वो किस की फॉर्म में हम लोग काउंट करते हैं, पिक्सेल्स की फॉर्म में। अब एक चीज और सुनो यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा इधर मतलब नॉर्मल सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम लोग कल बात करी थी पिक्सेल्स के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, तो वो कैसे काम करते हैं, इन्वर्सली काम करते हैं या डायरेक्टली काम करते हैं, मतलब कि अगर मैं पिक्सेल्स को बढ़ाऊंगा तो रेजोल्यूशन ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, भैया यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा टेक्निक चलती है, ये चीज याद रखना। अगर आपने पिक्सल्स को इंक्रीज कराना, जितने आपके पिक्सल्स कम होंगे, जितने आपके मतलब इमेज में पिक्सल्स कम होंगे, उतनी ही ज्यादा रेजोल्यूशन क्या होगा आपका, हाई होगा, ठीक है। मैं ज्यादा ब्रीफ में नहीं जा रहा हूं, पर इतना ही चीज याद रखना कि जितने आपके इमेज में पिक्सल्स कम होंगे उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन खराब है तो ये समझ लेना आपके पिक्सल की क्वालिटी ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो ये इन्वर्सली काम करता है, बस इतना याद रखना कि पिक्सल्स अगर कम है तो आपकी रेजोल्यूशन कैसा होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाईफाई इज, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, और किस ईयर में फाउंड हुआ था ये सबसे पहले, ईयर भी बताओ, किस ईयर में सबसे पहले वाईफाई इंट्रोड्यूस हुआ था, पता है किसी को? तो सबसे पहली चीज, इसका फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, और इसको सबसे पहले इस्तेमाल किस ईयर में किया गया था, तो 1997 में, ठीक है। और ये चीज याद रखना, ये किस टेक्नो, ये किस नेटवर्क पे काम करता है, लैन पे काम करता है, वैन पे करता है या मैन पे करता है, लैन पे करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे। तो ये वाई, व्हाट नेम इज द हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन और अ वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन नोन, तो ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन वा वो वाइड बैंड ट्रांसमिशन किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है।